हेलो क्लास फाइव चिल्ड्रेन, गुड इवनिंग। सो आई एम योर ईवीएस टीचर, योर चंदा मैडम। ओके सो चिल्ड्रेन, टुडे वी हैव रेड चैप्टर नंबर 5, दैट इज एवरी ड्रॉप्स काउंट। ओके सो दिस चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन यू इन द लाइव क्लास थ्रू गूगल मीट। ओके चिल्ड्रेन, सो now I we are going to discuss the question answer given in this chapter. Okay, so see, these are the chapters which we have already discussed, which I have already explained you in the live class. Okay, so here I am going to discuss the question answer only. Okay, so see the question answer, observe and find out. आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है और पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। आपके स्कूल के चारों तरफ में देखिए, आर देर एनी फील्ड। क्या यहाँ वहाँ पर आपके स्कूल के चारों तरफ में खेत है, फार्म्स है, पक्का रोड है, ड्रेन नाले है, एक्सेट्रा है। ओके, इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट। क्या वो आपका स्कूल वाला एरिया जो एरिया है वो स्लोपिंग टाइप का है या रॉकी टाइप का, रॉकी में चट्टानी है या फ्लैट है या चपटा जमीन है। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन। आप बताइए, आपका यहाँ पर लुंगले में बहुत बारिश होती रहती है, तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी कहाँ जाती है आपको बताना है। वेयर विल द रेन वाटर गो, बारिश का पानी कहाँ जाती है, इंटू द ड्रेन, ड्रेन में जाती है, पाइप में जाती है या गड्ढे में, पिट्स में जाती है, गड्ढे में जाती है। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सॉक इंटू द सॉइल, क्या उनमें से कुछ पानी जमीन के नीचे चले जाती है, मिट्टी सोख लेती है। तो यू हैव टू ऑब्जर्व एंड टेल द आंसर। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू राइट द आंसर। तो बच्चों, यहाँ पर लुंगले में क्या है, आपके चारों तरफ में थोड़ा बहुत खेती तो है। ओके, फार्म है, फार्म नहीं है, पक्का रोड है। ओके, ड्रेन नाले है, तो आपका ये एरिया क्या है, हिली एरिया है। तो हिली एरिया में क्या होती है, स्लोपिंग होती है, ढलाव जमीन होती है, और वहाँ पर बारिश का पानी आने से नीचे क्या है, जमीन ढलाव में, स्लोपिंग एरिया में, स्लोपिंग से बह के नीचे गिर जाती है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे होती है, है ना बच्चों। ओके, नाउ आई हैव गिवन द आंसर लाइक दिस वे, यस देयर आर फील्ड, फार्म, पक्का रोड, ड्रेन एक्सेट्रा इन द एरिया अराउंड माई स्कूल। मेरा एरिया के चारों तरफ में क्या है, ड्रेन भी है, फार्म भी है, पक्का रोड भी, रोड भी है और फील्ड भी है। ओके, एंड ऑल्सो द एरिया इज फ्लैट, हमारे एरिया स्कूल का एरिया क्या है, फ्लैट, लिटिल बिट फ्लैट। स्कूल का एरिया तो हल्का फुल्का फ्लैट है। ओके, बिकॉज यू हैव सीन दैट देयर इज ग्राउंड ऑल्सो। ओके, and usually when it rain, the rain water goes into the drain and also some water get absorbed by soil. जब बारिश होती है तो क्या होती है, वो बारिश के पानी ड्रेन के थ्रो से बह जाती है, नालों के थ्रो से बह जाती है, और कुछ कुछ पानी मिट्टी में भी, मिट्टी भी सोख लेती है, मिट्टी भी ऑब्जर्व कर लेती है, नीचे चला जाना, मिट्टी का मीन्स ऑब्जर्व कर जाना, सोख करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी हाउस हैज ए सिस्टम कलेक्ट द रेन वाटर, लुक एट द पिक्चर बिलो, हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर डैट फॉल ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, ड्रॉ द पाथ। सो सी, हियर इज गिवन द रेन हाउस विच हैव व्हाट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑन द टॉप फ्लोर, मीन्स ऑन द रूफ। रूफ में यहाँ पर क्या है, रेन वाटर, बारिश का पानी जमा करने की जगह बनाई है, वॉल जैसा बनाया है, और यहाँ पर पाइप कनेक्टेड करके नीचे यहाँ पर क्या, कुआ की तरह यहाँ पर पक्का टैंक बनाया है जिसमें बारिश का पानी जमा होते है, पाइप की तरह से यहाँ चली जाती है। ओके, सो दिस इज द पाथ, ये रास्ता, इसका रास्ता है। ओके, फ्रॉम दिस पाइप व्हेन द वाटर कलेक्ट इन द रूफ एंड द कलेक्टेड वाटर इज गो थ्रू द पाइप टू दिस वेल। ओके, नाउ
वाटर कलेक्टर ऑन द रूफ कम डाउन इन द पाइप एंड गेट स्टोर इन द टैंक बिलो, ये टैंक में यहाँ पर जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस इन द लाइव क्लास ना चिल्ड्रेन, ओके नाउ लेट अस डिस्कस ओनली द क्वेश्चन आंसर। हैव यू एवर फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस, क्या कभी आपके घर में पानी की किल्लत हुई, कमी हुई? इफ यस, हाँ यदि हाँ तो देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, कारण क्या था? क्योंकि कारण क्या होती है, हमारे बाहर से पानी मिलती है और जब अंकल नहीं आते, पानी वाला अंकल नहीं आते, वाटर डिपार्टमेंट का अंकल नहीं आते, तो क्या होती है, हमको पानी नहीं मिलती। टेक अ टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज, और आपका जो ग्रैंड मदर है, जब आपका ग्रैंड मदर या कोई भी बुजुर्ग आदमी से आप बात कीजिए कि जो कि जब आपकी उम्र में थे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ वाटर का प्रॉब्लम फेस किया, या उनसे बात कीजिए। ओके तो यस वी डू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अवर एरिया, माई ग्रैंड पेरेंट्स से यूजुअली ड्यूरिंग समर देयर इज वाटर शॉर्टेज सिंस इट इज़ टू हॉट, तो क्या होती थी ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने के बाद हमें पता चला कि समर में क्या होती थी, जो धूप ज़्यादा आती थी, धूप से क्या होती इवापोरेट होके वाटर गेट इवापोरेट एंड चेंज इंटू वाटर वेपर, एंड ड्यू टू दैट वाटर सोर्सेस आर ड्राइड अप। ओके जहाँ पर पानी की स्रोत होती थी वो सब क्या हो जाती थी, सूख जाती थी, इसलिए पानी की किल्लत होती थी उनके ज़माने में, इन देअर डेज, ओके वन दे वे चाइल्ड लाइक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, हैज देयर बीन अ चेंज नाउ, उनको घर में पानी कहाँ से मिलती थी और क्या अभी उसमें चेंज आई है, उसमें बदलाव आया है? द आंसर इज दे यूजली गेट वाटर फ्रॉम रिवर पॉन्ड वेल हैंडपम्प, तो पुराने ज़माने में क्या थी, इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, इतना सुविधा नहीं थी। ओके घर घर में आजकल तो वी गेट वाटर थ्रू पाइप पाइपलाइन एंड वी गेट वाटर व्हेन वी हम लोग जब स्विच ऑन कर लेते हैं अपना टैप को तो क्या करते हमको पानी मिलती है दे, बट इन द ओल्डन डे दिस ऑल फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, और ग्रैंड फादर वो लोग कहाँ से पानी ला, दे फेस वाटर फ्रॉम रिवर पॉन्ड वेल एंड थ्रू हैंडपम्प। ओके बट नाउ द टाइम हैज चेंज, दे गेट वाटर फ्रॉम सम सप्लायर, वाटर सप्लायर से पानी मिलती है, एंड नाउ एवरी हाउस इज कनेक्टेड विद पाइप। ओके एंड फ्रो पाइप वी गेट वाटर, एंड इफ वी ऑन द ओपन द टैप देन ऑटोमेटिकली द वाटर कम थ्रू द टैप। ओके सो नाउ द टाइम हैज चेंज, ओके दे वी गेट मोर फैसिलिटी देन अर्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वेयर मेड फॉर ट्रेवलर, फॉर एग्जाम्पल पीहू पियाओ मास्क लेदर बैग मासाक और एनी अदर, नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल, तो पुराने ज़माने में क्या होती थी पानी का पीने के लिए, क्योंकि व्हेन द ट्रेवलर ट्रेवल दे ऑल्सो फील थर्स्टी, ओके आफ्टर ट्रेवलिंग दे फील वेरी टायर्ड एंड दे फील थर्स्टी, सो इन प्लेसेस पीपल मेक पियाओ एंड दे ऑल्सो टेक मासाक लेदर बैग, इन साइड दैट लेदर बैग दे कीप दे फील दैट लेदर बैग विथ वाटर। ओके सो पुराने ज़माने में क्या होती, इन ओल्डन डे लोग क्या करते थे, जगह जगह पर ट्रेवलरों के लिए यात्रियों के लिए पियाऊ बनाते थे, जहाँ पर पानी जहाँ पर कुछ किलोमीटर दूर रहने जाने के बाद में उनको वहाँ पर पानी की दिक्कत ना पड़े, क्योंकि आजकल की तरह इन ओल्डन डे देर वर नो व्हीकल्स, उस समय ज़माने में क्या नहीं थे, वाहन नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, दे ऑल यूज टू ट्रेवल इन ऑन एनिमल्स, वो लोग एनिमल में ट्रेवल करते थे, तो उस समय अच्छी तरह फैसिलिटी नहीं थी,
Nowadays, we can buy water bottle also, okay? Mineral water bottle. But that time, in olden days, in our father, grandfather's, forefather's time, all this facility was not there, okay? Now, let's see the answer. The answer is now people who travel, they carry their own water bottle to or purchase the water bottle which is nearly neatly packed from the nearby shop. तो आजकल क्या करते हैं, जो भी यात्रा करते हैं वो लोग अपना रास्ते में क्या कर लेते हैं, पानी खरीद लेते हैं, मिनरल वाटर खरीद लेते हैं और वो बोतल को फिर वहीं छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं. ओके, नाउ ऑल दिस वाटर फैसिलिटी आर अवेलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी एवर इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या हम बिना पानी के जिंदगी कल्पना कर सकते? नो, देर इज नो लाइफ विदाउट वाटर. बिना पानी के हम जिंदगी क्या नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते. फॉर एवरी वर्क वी नीड वाटर, फॉर बाथिंग, फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर क्लीनिंग, फॉर ड्रिंकिंग. एंड विदाउट वाटर वी कैन नॉट थिंक अबाउट लाइफ. ओके, बिना पानी के तो हम सोच भी नहीं सकते, एक पल भी नहीं सोच सकते. हर काम के लिए पानी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इज देर ए लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? क्या आपके स्कूल के सामने, घर के सामने स्टेप वेल है या कुआ है या लेक है? विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट. उन वहाँ जाइए और उनके बारे में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए और उनके बारे में पता लगाइए. नाउ क्वेश्चन नंबर वन, यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ ओल्ड इज इट, वो कितना पुराना है. हु गोट इट बिल्ड, इसको किसने बना है? द आंसर इज यस, देर इज ए लेक नियर माई हाउस. मेरा घर के सामने एक क्या है, झील है, लेक है. माई ग्रैंड मदर सेज इट इज मोर देन 100 years ओल्ड, विच वॉज बिल्ड ऑफ द किंग और राजा, विच वॉज बिल्ड बाई द किंग और राजा. ये हमारे घर के सामने एक लेक है जो कि क्या है, बहुत साल पुराना है. वो 100 years, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसको राजा ने बनाया था. जब वेन देर वॉज द क्राइसिस ऑफ वाटर, दैट टाइम द राजा द किंग ऑफ दैट एरिया बिल्ड दैट लेक. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग आर अराउंड इट, इसके चारों तरफ में किस तरह का बिल्डिंग है? आंसर, न्यूली बिल्ड बिल्डिंग एंड देर आर सम ओल्ड वेल अराउंड इट. तो क्या है, अभी नया बिल्डिंग वगैरह उसमें चारों तरफ में बन रही है और कुछ पुराने कुएं भी है उसके चारों तरफ में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर क्लीन, इज इट क्लीन रेगुलरली? क्या वो पानी, कुआ का पानी साफ है और क्या उसको लोग बराबर साफ करते हैं? द आंसर इज नो, द वाटर इज नॉट क्लीन इन द लेक. लेक में, झील में पानी साफ नहीं है. आई हैव नेवर सीन अ लेक बींग क्लीन रेगुलरली. ये क्योंकि आजकल घर घर में पानी मिलती है थ्रू द पाइपलाइन, पीपल गेट वाटर. सो पीपल डू नॉट गो टू द लेक एंड वेन द वाटर इज नॉट रिक्वायर फ्रॉम द लेक, सो पीपल ऑल्सो डू केयरलेस एंड दे नेवर क्लीन दोज लेक रेगुलरली. ओके, क्योंकि पुराने ज़माने में तो पानी का सोर्स नहीं था, तो पीने के पानी को साफ रखने के लिए सब मिलके क्या करते, लेक को साफ करते थे. अभी तो घर घर में पाइप आ रही है, पानी के पाइप के थ्रू से पानी आ रही है, तो लोगों को ये जरूरत महसूस नहीं होती कि इसको साफ रखे. ओके, नाउ दैट्स द रीजन द लेक इज नॉट क्लीन रेगुलरली. हु ऑल यूज द वाटर, उसका पानी कौन यूज करते हैं? आंसर, पीपल इन द विलेज यूज द वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पस. गांव के लोग जिसके पास पाइपलाइन वगैरह नहीं है, जिसके पास घर में पाइप वाटर पाइपलाइन नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर आके कपड़े वपड़े धोते हैं और अपने गाय भैंसों को भी क्या करते हैं, नहलाते हैं. नेक्स्ट इज, इज देर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेट एट दिस प्लेस? क्या यहाँ पर कोई फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते हैं इस एरिया में? आंसर, येस, बोटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट दिस प्लेस. क्योंकि ये झील, ये जो लेक है बहुत बड़ा है, यहाँ पर लोग क्या करते बोटिंग फेस्टिवल करते. बोट मतलब नाव का फेस्टिवल, क्योंकि नाव द बोट आर सेल इन द वाटर. सो द बोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड
in this lake. Okay, is there any water today or is it dry? क्या इसमें पानी है या ये सूख गया है? Answer is yes, there is little water in the lake. हाँ, इस झील में क्या है? कम पानी है पहले के मुकाबले. कंपेयरिंग टू ओल्डन डे द वाटर इज लिटिल बट इन द रेनी सीजन इट इज फिल अप विद वाटर. ओके, बारिश के समय में क्या होती है? भर जाती है. एंड दैट टाइम देर इज बोट रेसिंग इन दिस लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी यू हैव टू डिस्कस दिस ऑल. ओके, वी हैव डिस्कस ऑल दिस इन द क्लास. ओके, लाइव क्लास. सो लेट मी डिस्कस अगेन. देर आर टू वेल इन द एरिया वेयर पुनीत लिव्स. पुनीत जो नाम का लड़का था, पुनीता जो लड़की थी वो जहाँ रहती थी उधर में दो पुराने कुएँ थे. हर ग्रैंड मदर से दैट अबाउट 15-20 ईयर्स एगो देयर वॉज वाटर इन दिस वेल. तो उसका ग्रैंड मदर ने मम्मी ने बताया, दादी माँ ने बताया कि उस वेल में, कुआ में क्या है, 15-20 साल पहले पानी से भरा रहता था. द वेल कुड हैव ड्राइड ऑफ बिकॉज कुआ सूख गया था. वाटर इज बींग पम्प फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. नंबर क्योंकि वो पानी सूखने का कारण क्या था? क्योंकि आजकल सब लोग बोरिंग लगा के पानी अंडरग्राउंड का वाटर को क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दे सोक द वाटर. ओके, पंप आउट द वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड. द लेक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. तो जिस झील में पानी भरी रहती थी वो झील अभी क्या हो गया? आदमी लोग ने कचड़ा वचड़ा फेंक के पूरा भर गया वो झील. ओके, द स्वेल्स अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज नाउ कवर विथ सीमेंट. और जो पार्क और पेड़ का जो चारों तरफ में क्या है, आजकल लोग सीमेंटेड कर देता है. सीमेंटेड होने से क्या होती है, व्हेन द रेन वाटर और व्हेन द रेनफॉल इज देयर द थ्रू द सीमेंट रेन वाटर कैन नॉट गो इनसाइड द अंडरग्राउंड. ओके, जब बारिश होती है तो सीमेंटेड जगह से बारिश का पानी नीचे नहीं जा सकते, इसलिए उस जगह में पानी की कमी है, इसलिए वो जगह ड्राई अप है. ओके, द लेक इज ड्राइड. Is there some other reason for this explosion? और उसके अलावा कोई दूसरा कारण है? Yes, the cause mentioned above are true. ये सब कारण जो ऊपर में डिस्कस किया है ये सही है. However, there are few more other reason for the cause. Might be destruction of more trees, no proper maintenance of the well, नॉट क्लीनिंग रेगुलरली. तो इसके अलावा क्या है, कुआ को लगातार साफ नहीं करना, रेगुलरली साफ नहीं करना, और पेड़ आस पास के पेड़ वेड़ काट देने से क्या होती है, तब भी क्या होती है, बारिश वारिश कम होती है और पानी और चारों तरफ में सीमेंटेड कर देने से उस जगह का पानी नीचे जमीन में नहीं जाती है. सो दिस आर द रीजन चिल्ड्रेन, दैट्स वाई देयर इज द वाटर इज ड्राइड अप इन दैट पर्टिकुलर वेल और लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज स्टोरीज, वी हैव डिस्कस दिस इन द क्लास. ओके, देन नाउ लेट अस सी डिफरेंट वे इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे. डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस वे? पुट ए टिक ऑन दैट इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक. इस यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप किस तरह से पानी क्या करते घर में आपको आती है. बाय ऑल द मीन्स गिवन इन द पिक्चर वी गेट वाटर टू माई हाउस. वी डू गेट वाटर बाय अदर मीन्स एज वेल लाइक. वी गेट वाटर बाय यूजिंग हैंड पम्प टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर. देर आर टैंकर्स हु सप्लाई वाटर टू आवर हाउस. वी गेट वाटर फ्रॉम द जल बोर्ड थ्रू पाइप लाइन डायरेक्टली टू आवर हाउसेज. फ्यू
people draw water directly from the nearby canal. Or from all these sources we get water. Okay. Now next is, here is one ticket. Okay. So here this is the ticket. The ticket is about what? It is very true that everybody is not getting enough water to drink. Also not ticket. This is. Children, I have given all the question answer. You have to write note down in this in your book. Okay, this all you have to note. Fill in the blanks. Okay, here this one also you have to. I have already filled up and you have to note down it. Okay, question answer also done. And now we have come to the end of this chapter. So. Children, note down all the question answer in your notebook and also learn. Wherever you feel doubt, you please ask me, okay, in next live class.